तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शार्प एफएफ। गाइस कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और भाई लोग आगे भी अच्छे ही रहे। तो गाइस इस बार की जो ये वीडियो है गाइस बहुत ही ओपी बनी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और भाई साहब बहुत कुछ सीख जाओगे इस वीडियो से। सही बता रहा हूं गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और भाई लोग जो नया है हमारे वीडियो में गाइस, जो भी नया बंदा है एक सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। आपका एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए। और जरूर बताएं ये वीडियो कैसी लगी और एंड तक देखो गाइस, जब भी ये वीडियो आपको समझ आएगी अच्छे से एकदम। गाइस बेसिकली मैं बता दूं मैंने ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाया है। गाइस मैंने बहुत बंदों को देखा यूट्यूब पर सर्च करते हैं, मतलब हेडशॉट कैसे मारे, फ्री फायर की बेस्ट सेंसिटिविटी कौन सी होती है, और गाइस मेरे से पर्सनल कमेंट भी करते हैं बंदे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। तो गाइस आज की वीडियो में वही बताने वाला हूं गाइस, हमारे फ्री फायर में बेस्ट सेंसिटिविटी हेडशॉट के लिए कौन सी होती है और बेस्ट सेंसिटिविटी आपको बेस्ट सेटिंग्स कौन सी रखनी चाहिए। फ्री फायर में गाइस सबको पता है कि हल्का सा ड्रैग करो डिफॉल्ट का सिस्टम है, हेड चिपक जाता है और हेडशॉट लग जाता है, बट ये हर बार नहीं होता। बट कुछ प्रो प्लेयर्स होते हैं जैसे राइट स्टार हो गए गाइस, ये हर बार कैसे मार लेते हैं, और इनकी गाइस एक सिंपल ट्रिक होती है, लोग ट्रिक यूज करते हैं, प्लस इनका गाइस सेंसिटिविटी गाइस वो बहुत मैटर करता है। तो आज गाइस हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। गाइज वेलकम बैक आफ्टर इंट्रो। गाइज कमेंट बॉक्स में बताना आपको इंट्रो कैसा लगा। गाइज थोड़ा सा इंट्रो मैंने पहले से थोड़ा चेंज किया है और बताना गाइज इंट्रो कैसा लगा। तो आते हैं अपने टॉपिक पे बिना टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा टॉपिक था जैसे कि मैंने बताया था कि फ्री फायर की बेस्ट सेंसिटिविटी और बेस्ट सेटिंग कौन सी होती है हेडशॉट मारने के लिए, प्लस हेडशॉट ट्रिक बताएंगे गाइज आपको। गाइज राइट स्टार को कौन कौन जानता है गाइज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और गाइज राइट स्टार को आपने देखा होगा हर बार वो हेड मारता है, गाइज ऐसा कैसे हो सकता है? हेड का सबको पता है गाइज, ड्रैग करते हैं हेडशॉट जाता है, बट वो हर बार हेड कैसे मारता है गाइज? उसकी एक ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है गाइस, और थोड़ी सी उसकी सेटिंग्स का कमाल भी है गाइस, थोड़ी सेंसिटिविटी का कमाल भी गाइस। तो आपको बताएंगे कि हेडशॉट के लिए बेस्ट ट्रिक कौन कौन सी होती है और बेस्ट सेंसिटिविटी कौन सी होती है और बेस्ट कंट्रोल्स और सेटिंग्स जो भी होते हैं गाइस, फुल डिटेल में बताएंगे गाइस। सिर्फ बताएंगे नहीं गाइस, हम करके भी दिखाएंगे आपको कि सब कैसे होता है और हेडशॉट कैसे लगता है। गाइस बेसिकली मैं जो हेडशॉट मारने के लिए ट्रिक यूज करता हूं गाइस, दो ही ट्रिक यूज करता हूं हेडशॉट मारने के लिए, और बाकी होती होंगी गाइस, मैं दो यूज करता हूं और तीन के बारे में जानता हूं, तीसरी को मैं इस्तेमाल नहीं करता, बट वो दोनों बताऊंगा गाइस कौन कौन सी है। एक तो गाइस सबसे पहला सिंपल ड्रैग गाइस, पैरों के नीचे एम रखो, एम व्हाइट हो या रेड हो फर्क नहीं पड़ता गाइस, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप पैरों के नीचे एम रखो फिर ड्रैग करो गाइस, सीधा हेडशॉट जाता है। ये लॉन्ग रेंज के लिए गाइस, ओनली लॉन्ग रेंज के लिए, क्लोज रेंज में उतना ज्यादा ये कभी कभी नहीं लगता है, बस थोड़ा लॉन्ग में हो अगर आप स्कार एआर गन कोई भी आपके पास है, इसकी रेट ऑफ फायर थोड़ी ज्यादा होती है। पैरों के नीचे से एम रखो, ड्रैग कर दो गाइस, सिंपल ऊपर ड्रैग कर दो, या फिर जिधर बंदा भग रहा है उधर साइड ड्रैग कर दो, लेफ्ट को भग रहा है तो पैरों के नीचे से लेफ्ट की साइड ड्रैग कर दो, राइट को भग रहा है पैरों के नीचे से राइट की साइड ड्रैग कर दो, अपने आप गाइस रेड नंबर का ड्रैग जाता है। फर्स्ट ट्रिक बताने से पहले मैं आपको सेटिंग्स बताना चाहूंगा गाइस, कैसी सेटिंग्स रखनी चाहिए आपको और कौन सी सेंसिटिविटी। जनरल आप फुल रखो, रेड डॉट को आपकी मर्जी है, 2x भी फुल रखो, 4x भी फुल रखो, AWM भी फुल रखो गाइस। रेड डॉट बंदे बोलते हैं इतना रखो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला गाइस, आपके फिर भी हेड लगेंगे गाइस, लेकिन जनरल को तो फुल ही रखना, हेडशॉट ज़्यादा अच्छे लगते हैं गाइस। गाइस आप मेरे कंट्रोल्स देख सकते हो, मेरे कंट्रोल्स किस टाइप के हैं। फायर बटन का ट्रांसपेरेंसी मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आप मेरे फायर बटन देखें गाइस, आप मेरे फायर बटन को नोटिस करना गाइस, मैं किस तरह ट्रैक करता हूँ बस आप मेरे फायर बटन को नोटिस करना, बाकी सबकी ट्रांसपेरेंसी मैं लो कर देता हूँ, सिर्फ अपने फायर बटन की ट्रांसपेरेंसी रहने दूंगा गाइस। फायर बटन का साइज डिपेंड नहीं करता कि आप हेडशॉट मारोगे या नहीं मारोगे गाइस, आपके स्किल्स डिपेंड करते हैं, आपके ट्रिक डिपेंड करते हैं कि आप हेडशॉट कितना मारोगे। आप मेरा फायर बटन का साइज देखो 73 साइज है, बट मैं फिर भी हेड मारता हूँ। मेरे जब मैंने गाइस फायर बटन का साइज 60 रखा था मैं जब भी हेड मारता था, और जब मैंने 45 रखा था एक बार जब भी हेड मारता था गाइस, फायर बटन से मैटर नहीं करता, फायर बटन साइज कितना देखो ट्रिक मैटर करता है गाइस। तो चलो आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में लेके जाते हैं और आपको दिखाते हैं रियल ट्रिक क्या है गाइस, फर्स्ट ट्रिक बताते हैं आपको करके दिखाते हैं। गाइस अभी मेरे एम पे फोकस करना है और एनिमी के एग्जैक्ट पैरों के नीचे है गाइस, एग्जैक्ट नीचे, अब सिंपल ड्रैग करना है बस गाइस। ये बंदा लेफ्ट को भगेगा तो मैं पैरों के नीचे से लेफ्ट की साइड ड्रैग कर दूंगा, अपने आप हेड ड्रैग
और सेकंड ट्रिक गाइस रोटेशन हेडशॉट, जिसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, काफ़ी टाइम पे यूज़ करता हूँ गाइस। इससे क्या करना होता है गाइस, सबसे पहले एम को नीचे खींचना होता है, राइट साइड से घुमा के ऊपर ले जाना होता है गाइस। मैं करके दिखा देता हूँ अभी ये कैसे होता है गाइस। यहाँ फायर बटन को देखना, नीचे करके रोटेट करना है इसको ऊपर की साइड, जैसे एरो में दिख रहा है गाइस, ऐसे रोटेट करना है। गाइज क्लोज रेंज वाली गन से तो दिखा दिया आपको, अब लॉन्ग रेंज की गन से भी दिखाते हैं गाइज रोटेशन हेडशॉट। और गाइज ट्रिक तो मैंने पहले ही बता दिया, बट अगर नहीं समझ आई तो वीडियो के एंड में गाइज अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। गाइज थर्ड है हमारा क्लोज रेंज का ट्रैक, ये गाइज मैं बताऊंगा नहीं, सीधा आपको करके दिखाऊंगा गाइस। ये वाला हेडशॉट मैं आपको करके दिखाऊंगा, और ये क्लोज रेंज के लिए गाइस, क्लोज रेंज में इसके इससे बेस्ट हेडशॉट मुझे नहीं लगता कुछ होता होगा गाइस। और चाहे आपके पास एआर गन हो, लॉन्ग रेंज गन हो, शॉर्ट रेंज गन हो, क्लोज रेंज में आप हेडशॉट मार सकते हो। चाहे बंदा आपके 3 या 4 या 5 मीटर की रेंज में है तो भी आप हेडशॉट मार सकते हो उस ट्रिक से गाइस। इतनी बढ़िया ट्रिक है वो क्लोज रेंज के लिए, बहुत अच्छी ट्रिक है गाइस। मैं उसको हमेशा यूज़ करता हूँ क्लोज रेंज में, जब भी गाइस क्लोज रेंज फाइट होती है मैं इसी ट्रिक को यूज़ करता हूँ। और ये बताता हूँ गाइस, अब आपको सब कुछ करके दिखाता हूँ, बातें बहुत हो गई, आपको सब कुछ करके दिखाता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ गाइस। पहले देखना, एम को नीचे की तरफ स्ट्रेट ड्रैग करना है, देन स्ट्रेट ऊपर की साइड ड्रैग करना है। यहां भी देखना गाइस सेम, पहले स्ट्रेट नीचे साइड फिर स्ट्रेट ऊपर की साइड। गाइज जैसा कि आपको तीनों ट्रिक पता चल चुकी होंगी अभी तक तो, और गाइज मेरे को लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर नहीं समझ आई तो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से गाइज। फर्स्ट ट्रिक थी स्ट्रेट ड्रैग, जिसमें आपको एम को पैरों के नीचे रखना था और सीधा सिंपल बस ऊपर ड्रैग करना था, बट एम पैरों से भी नीचे होना चाहिए गाइज एनिमी के, और थोड़ा लॉन्ग रेंज में ही ये सिर्फ यूज़ किया जा सकता है, क्लोज रेंज में ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करता गाइज। सेकंड हमारी ट्रिक थी रोटेशन ड्रैग, रोटेशन ड्रैग में गाइज आपको राइट, पहले तो एम को नीचे खींच के राइट साइड से ऊपर की तरफ ड्रैग करना होता था गाइज, जो कि मैंने आपको एरो बना के दिखा दिया था, ग्रीन कलर का एरो गाइज आपको टाइमिंग डिस्प्ले पे शो हो रही होगी, आप उतने टाइमिंग पे जाकर देख सकते हो। और गाइज हमारी थर्ड ट्रिक थी क्लोज रेंज ड्रैग, जिसमें कि गाइज आपको मैंने बताया पहले एम को स्ट्रेट नीचे ड्रैग करना है गाइज, देन स्ट्रेट ऊपर ड्रैग करना है जब ज़्यादा ही क्लोज रेंज में एनिमी हो, तो आपके हाथ में कोई भी गन हो गाइज, लॉन्ग रेंज हो क्लोज रेंज हो, आपको हेड लगना कन्फर्म है गाइज, मतलब आप हेड मार सकते हो कन्फर्म अगर आपने ये ट्रिक अच्छे से यूज़ कर ली। और गाइज सारी ट्रिक्स में आपको ड्रैग तुरंत नहीं करना, थोड़ा सा स्लो खींचना है गाइज। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो और आपको समझ आ गई है सारी ट्रिक्स, और अगर समझ आ गई है तो गाइज एक वीडियो को एक लाइक ठोक देना और सब्सक्राइब करके जाना अगर नए हो तो गाइज, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना भाई लोग आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मुझे लगता है जहाँ तक आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प होने वाली है, और आप ये सब ट्रिक ट्राई करके देखना क्या आपके हेड लग रहे हैं, और मेरे को कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना। और गाइज ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, क्या पता अगर आप ना मार पाए तो आपके फ्रेंड्स मार पाए ये हेडशॉट्स। गाइज अगर मुझे कोई ट्रिक पता चलती है मैं तो अपने स्क्वाड को जरूर बताता हूँ, ताकि अगर मैं ना कर पाऊँ तो मेरा स्क्वाड जरूर कर पाए, और हेल्प तो गाइज हमारे स्क्वाड को ही होनी है। अगर मुझे कोई ट्रिक पता चलती है तो गाइज अपने दोस्तों के साथ जरूर ये वीडियो को शेयर करना। और गाइज वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, 2 दिन से वीडियो बना रहा था गाइज, बहुत मेहनत लगी, तो एक लाइक जरूर करके जाना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। एटलीस्ट 100 लाइक्स कंप्लीट करा दो यार इस वीडियो पे भाई लोग, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो 100 लाइक्स तो यार कंप्लीट करा दो, इतना शेयर करो कि कम से कम यार 100 लाइक्स हो जाए मेरे इस वीडियो पे। और गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी क्राउच ग्लू वॉल की ट्रिक बताऊंगा गाइज, जैसे बैठ के क्राउच मतलब बैठना होता है गाइज, बैठ के ग्लू वॉल लगाते हैं, आपने देखा होगा बहुत बार बंदे बैठ के ग्लू वॉल लगाते हैं, उसकी गाइज ट्रिक होती है, और वो बहुत फास्ट लगा सकते हो आप अगर वो ट्रिक जान गए तो। मैं हमेशा यूज़ करता हूं, और मैं हमेशा गाइज क्राउच ग्लू वॉल ही लगाता हूं, बैठ के ग्लू वॉल लगाता हूं गाइज, उसकी ट्रिक लाऊंगा और हैंडकैम के साथ लाऊंगा गाइज नेक्स्ट वीडियो, तो फटाक से इस वाली वीडियो को एक लाइक ठोक देना। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।